जब आप झारखंड से आ गए यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर जो आपका परिवार है, आपके जो पेरेंट्स रहे होंगे, उनका किस तरह का क्या क्या वो रहा, रिएक्शन क्या रहा उनका? हमारे पिताजी बोले कि चलो एक लड़का शादी हो गया अच्छा, लेकिन माँ का प्रेम तो आप जानते ही हैं, कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। हमारी माँ बिलख उठी, तो हम उससे बात करते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं। अभी भी वो हमसे बोलती है, बाबू टीवी पे देखा देखात रहला, अपनी भाषा में बोलती जी है। जी जी तो हमने बात की, हमने कहा जी जी, तो बोली कि बहुत अच्छा लागल, चला सामने से नहीं देख पहली, टीवी पर तो देख ले ली, अभी फ़ोन की थी हमारे पास। तो बातचीत होती रहती है, आशीर्वाद लेते हैं, और सुबह मैं उठता हूँ तो सबसे पहले माँ का स्मरण करता हूँ, फिर धरती को प्रणाम करता हूँ, फिर अपने इष्ट को। और ये जो घरानों की परंपरा है, आपने इतने बड़े कलाकार का नाम लिया पलुस्कर जी का, जिनके एक से एक बढ़ के शिष्य हुए हाँ, ओंकारनाथ ठाकुर ओंकारनाथ से ठाकुर, लेकर, हाँ और वो खुद उनके खुद उन्होंने के पुत्र डीबी पलुस्कर जी, व्रत बिल्कुल पलुस्कर जी, बिल्कुल बिल्कुल हालांकि बहुत ही ये दुर्भाग्य कहा जाए संगीत का, कि दोनों ही लोग बहुत कम उम्र में चल बसे, उनके बेटे भी और वो भी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये जो घरानों की जो ये परंपरा पे अगर हम आए, जितना काम उनका है, जैसे शास्त्रीय गायकों की जो लड़ाई लड़ी है सम्मान की उन्होंने, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आप अपने घराने के बारे में थोड़ा सा एक बताएं मैं हमको। बहुत विशेष बात बताना चाहूँगा। हमारे गुरु जी जी कहते हैं जी कि जिस स्थान पे अपने गुरु की दी हुई संगीत विद्या को बैठ करके साधक साधता है, वही उसका घराना होता है। जी हमारे गुरु जी बता रहे थे, हस्सू हद्दू खाने कड़क बिजली तान से ग्वालियर घराने को चमकाया, लेकिन हमारे अवध घराने में तिहाई परख और मीड़ परख गायकी है, खटका मुरकी नहीं है। यमन भाइयों के द्वारा, यमनों के द्वारा, मुस्लिम भाइयों के द्वारा ये है, लेकिन हम लोगों में क्या है, ये ये थोड़ा गमक, सा ध्रुपद हाँ का। ध्रुपद अंग की गायकी है, हाँ लेकिन बिल्कुल। इसमें खटके का प्रयोग हमारे गुरुजी कर दिए। अच्छा हमारे गुरुजी ने एक अलग अंग इसमें देर तनर तनर नररी रतना तना, ये क्या बात। खटका है, तना रे ना तना रे नू, इसका प्रयोग, खटके का प्रयोग उन्होंने कर दिया। तिहाई परक अयोध्या घराना, इसमें तिहाई का खटके का प्रयोग प्रचुर मात्रा में, और साहित्य बड़े अच्छे मिलेंगे, जैसे और जगह सैया दैया आपको मिलेगा साहित्य में, लेकिन यहाँ क्या है, शरद चंद्र बदनी सुगर गज गामिनी मृदु चरण पल्लव बिमल मदन दर्प प्रमथनी, माँ किशोरी के ऊपर, जी शरद चंद्र बदनी, शरद चंद्रमा के समान बदन वाली, शरद चंद्र बदनी सुघर गज गामिनी, जैसे हाथी चलता है वैसे चलने वाली भगवती, और काम कामदेव के हृदय को भी मथ देने वाली हैं और रसिकों के मन को भाने वाली हैं। तो यहाँ परमात्मा परक साहित्य हैं जो मार्गी पद्धति में निबद्ध हैं, मार्गी पद्धति में निबद्ध हैं। और कुछ अपने घराने के बारे में आप जो बताना चाहते हो खास तौर पे। अपने घराने के बारे में खास तौर पे बताना चाहूँ, यहाँ बधैया कीर्तन को भी क्लासिकल में गाया जाता है, जैसे श्री राम जय जय राम, श्री झप ताल में है, लोग कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, यहाँ ताल में कीर्तन को भी गाया जाता है, मतलब यहाँ समझौता नहीं हुआ शास्त्रीयता से।